अपन ने यहाँ पे क्या सीखा था, संपत्ति खरीदना। तो संपत्ति खरीदना आ गया था, उसका हमने कला आपको बता ही दिया था, डेफिनेशन भी बता दिया हमने, मतलब मूल्यह्रास लगाना। अपन एक बार और संपत्ति खरीदना सीख लेते हैं और उसमें मूल्यह्रास लगाना सीख लेंगे। वो तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे। तो अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं और ऐसे बिल्कुल बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी कंपनी ओपन करेंगे तो अल्टर एफ वन से इसको क्लोज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी से एस प्रेस करेंगे। ये थी अपनी, ठीक है एंड। अब इसमें आपने कल संपत्ति खरीद ली थी, हमने बताया था। अब कौन कौन से संपत्ति खरीदी है आपको चेक करना है, तो कैसे करेंगे बताइए, भूल कर क्या चेक करना है। संपत्ति मतलब आपके बिजनेस में क्या क्या संपत्ति है वो चेक करना है आपको। कहाँ से चेक करेंगे, बैलेंस चेक के लिए भी प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स असेट सारा एंड है। तो आपके पास क्या है, एसी है और फर्नीचर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये आपकी कौन सी एंटी है, उधार वाली एंटी। एसी आपने उधार खरीदी है किससे, रोहित नाम के पर्सन से, और फर्नीचर आपने नगद खरीदा है, ठीक है। तो उधार खरीदना और नगद खरीदना आ जाएगा क्या आप सभी स्टूडेंट को, या फिर एक बार और बताएं, आ जाएगा, ठीक है। अब जो फर्नीचर अपन ने खरीदा है, कितने का खरीदा था अपन ने फर्नीचर, फर्नीचर है 10,000 का और एसी है 30,000 की। अब मान के चलिए ये जो फर्नीचर है या फिर एसी, एसी को बेच देते हैं, एसी जो है अब आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है। आपने उसे कितने मंथ यूज किया है और अब आप उसे बेच रहे हैं, तो उसके लागत मूल्य में कमी आ जाएगी। खरीदी तो आपने 30,000 की थी, लेकिन अब वो शायद हो सकता है 20,000 की जाए, या 22,000 की जाए, या फिर 25,000 की जाए, ठीक है। तो अपन मूल्यह्रास निकालेंगे इसको, तो उसके लिए अपन एक्सेल ओपन करते हैं एंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेल लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी है, एसी ले लेते हैं, एसी कितनी है 30,000, यही है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेट ऑफ डेब्ट, रेट ऑफ डेब्ट मतलब मूल्यह्रास की दर कितनी है आपकी। जैसे मान के चलिए आपके एसी पे मूल्यह्रास लग रहा है 5%, तो यहाँ पे 5% लगा के आप परसेंट लग देंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है पर ईयर डेप, पर ईयर डेप होगा तभी आप पर मंथ का निकाल पाएंगे। तो पर ईयर का डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे, कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस लेंगे इनटू रेट ऑफ डेप कर देंगे एंटर। तो आ गया आपका डेप 1 साल का। फिर यहाँ पे आप पर मंथ का निकालेंगे, तो पर मंथ का डेप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इक्वल करेंगे पर या डेप का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने मंथ होते हैं 1 साल में, आपके 12 होते हैं 1 साल में मंथ, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, पर डे का निकालेंगे आप डेप, पर डे का डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 1 साल में जितने दिन 365 होते हैं, आ जाएगा आपका 1 दिन का डेप। अब यहाँ पे आप ये बताइए, आपने जो एसी ली थी, खरीदी थी, वो आपने उसको कितने दिन यूज किया है या फिर कितने मंथ यूज किया है, बताइए। 1 साल किया है, अगर आपने 1 साल किया है तो 1 साल का डेप कितना है, 1,500। तो फिर यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, तो इक्वल करेंगे आप कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस पर ईयर डेप, क्योंकि 1 साल का है ना आपका ये डेप और 1 साल आपने यूज की है, एंटर कर देंगे। तो आपने इसे खरीदी कितने में थी, 30,000 में, तो इसको बेचना कितने में चाहिए अब आपको, 28,500।
लेकिन वो सामने वाला पर्सन बोलता है नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ पे, जिसको भी आप बेच रहे, उधार बेच रहे या फिर शॉप पे बेच रहे या फिर नगद में जिसको भी बेच रहे आप, वो बोलता है कि हम तो ओनली यहाँ पे 27,000 रुपए देंगे। तो आपने 27,000 में ही बेच दी, जबकि बेचना कितने में था आपको? 28,500 में। तो यहाँ पे आपका लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस सेलिंग प्राइस एंड, तो कितने का लॉस हुआ है। अब लॉस कैसे पता चला? लॉस यही है क्योंकि माइनस में आ रहा है आपका अमाउंट। अगर यही अमाउंट प्लस में आता ना तो प्रॉफिट हो जाता, आ जाएगा। अब अपन डेब्ट की एंट्री करेंगे। खरीद तो अपन ने लिया था लास्ट क्लास में, तो ये है आपकी 1 साल का डेब्ट। तो इसमें क्या करेंगे आप, जनरल वाउचर, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। बाय में क्या आएगा आपका बताइए? बाय में आएगा डेब्ट। क्यों? क्योंकि डेब्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, और एक्सपेंसेस को क्या करती है, बाय। यहाँ पर डेब्ट का लेजर नहीं बना, अल्ट्रा सी से अपन डेब्ट का लेजर बना लेते हैं। अंडर में ये कहाँ जाएगा? अभी तो बोला था हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए आया था अभी भूल गए आप? तो यहाँ पे देख लेंगे कितना था, 1500। यहाँ पे आप 1500 अमाउंट डाल देंगे एंटर। एंटर इसमें क्या जाएगा आपका, एसी, क्योंकि एसी पे लगाया है आपने मूल्यह्रास। एंटर पर इसको सेव कर देंगे। अब आप इसको बेच रहे हैं, अगर आप नगद बेचेंगे तो रिसीव वाउचर में एंट्री होगी, और उधार बेचेंगे तो जनरल वाउचर में एंट्री होगी। नियम दोनों में एक रहेगा, जो आपके व्यापार से जाता है उसे टू करेंगे, जो व्यापार में आता है उसे बाय करेंगे। तो अब आपके पास से एसी जा रही है तो टू में क्या आएगा, एसी, और नगद बेची है तो बाय में क्या जाएगा, कैश, कैश आ रहा है। और अगर उधार होती तो पर्सन का नाम, तो अपन नगद कर देते हैं, तो टू में क्या आएगा, एसी। कितने की बेची? ओनली 27,000 रुपए की। एंड बाय में क्या जाएगा आपका, कैश। अब आपको कितने का लॉस हुआ है, 1500 का हुआ है। कैसे पता चलेगा आपको, ये अपन निकाला था। तो लॉस की एंट्री होती है आपकी जनरल वाउचर में, बाय में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कितने रुपए, 1500 रुपए एंड, अरे 15,000 हो गया सॉरी। टू में आ जाएगा संपत्ति का नाम। अब यहाँ पे उसने बता दिया जीरो, मतलब आपकी एंट्री सही है। अगर यहाँ पे 1 पैसे का भी डिफरेंस आता है ना, तो आपकी एंट्री गलत होती है। फिर वो रुपए में तो बात ही अलग है। एंटर करेंगे इसको सेव कर देंगे। तो अब आपने एसी तो खरीदी थी, लेकिन उसको आपने बेच भी दी। तब आप यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप फिक्स असेट्स में देखेंगे कि आपकी एसी है क्या, नहीं है। तो आ जाएगा आपको, सभी स्टूडेंट्स को आ जाएगा, डेफ निकालना आ जाएगा ना, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, फिर तो आप एंट्री कर देते हैं। आप जैसे कि मान के चलिए आपका जो फर्नीचर है कितने रुपए का है, 10,000 का है, और आपने उसको यूज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप उसको बेच रहे हैं, अपन यहाँ पे डेप कैलकुलेशन निकालते हैं। फर्नीचर कितने का था आपका, 10,000 का, यही है एंटर। अब आप उसको बेच रहे हैं, कितने दिन यूज करके बेच रहे हैं, मान लीजिए अपन ने 1 साल ही उसको यूज किया है, तो कितने में जाना चाहिए उसे, 9,500 में। लेकिन अपन उसे कितने में बेच रहे हैं, 10,500 में बेच देते हैं, ठीक है? तो कितने का प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे, 1,000 का हुआ, क्योंकि प्लस में आया है आपका ये। तो इसकी एंट्री क्या होगी फिर आपकी, सेम वैसे ही होगी, बस डिफरेंस इतना हो जाएगा जनरल वाउचर की एंट्री चेंज हो जाएगी। बाय में आपका आ जाएगा क्या, संपत्ति का नाम, और टू में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट आ जाएगा कितनी अमाउंट, ठीक है? और कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये तो आपको कंप्लीट हो गया। पूछना है कुछ?